अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 का नेम क्या है? अल्लाह ताला सबका खालिक है, अल्लाह ताला सबका खालिक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को पैदा किया है, इसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी से पैदा हुआ है, वो सबका पैदा करने वाला है। सूरज चांद और सितारे सब अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। दरिया और समंदर भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला हम सब का खालिक है, इस जैसा कोई और नहीं, वो एक है। क्या है रीडिंग में? ये अल्लाह ताला ही जो है उसी ने हमें पैदा किया है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ठीक है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, लेकिन वो हम सबको पैदा करने वाला है। सूरज चाँद सितारे सब अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं, ठीक है। हर चीज़ दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला ने ही पैदा की है, ठीक है, इसका कोई नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। अब आपने अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन करना है, ठीक है। इसमें मुख्तसर जवाब दें, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ना है। हम सबको किसने पैदा किया? सूरज और चाँद किसने बनाए हैं? अब आपने अपनी नीट कॉपीज़ ओपन करनी है। नीट कॉपीज़ ओपन करने के बाद आपने डेट लिखना है, डे लिखना है, सबक का नाम लिखना है, अल्लाह ताला सबका खालिक है। उसके बाद हम पहला सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है? हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। दूसरा सवाल क्या है? सूरज और चाँद किसने बनाए हैं? सूरज और चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं। आपने भी अपनी नीट कॉपीज़ पर ये इसी तरह नीट एंड क्लीन